राजधानी लखनऊ के थाना सुशांत गुल्फ सिटी और सर्विलांस टीम दक्षिण की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी दक्षिण राहुल राज ने बताया कि 3 छात्र अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 देशी पिस्टल, 32 बोर और 1 देशी तमंचा, 315 बोर में कारतूस और 5 मोबाइल फोन और 1 वाईफाई राउटर बरामद किया है और इन तीनों अभियुक्तों पर कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी दक्षिणी राहुल राज ने संयुक्त टीम को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की है। का मेन जहां के रहने वाले हैं, जौनपुर का सिंगरामऊ के रहने वाले हैं, तो इनका जो ऑपरेशनल एरिया था वो जौनपुर ही था। अभी तो जो मुकदमे हमें मिले हैं, सराय ख्वाजा, महाराजगंज, बदलापुर, सिंगरामऊ, बक्सा, ये सारे जौनपुर के ही थाने हैं, वहीं पर ही करते थे। अब ये लखनऊ में आए हैं और इनका ये कहना था कि हम लोग यहाँ पर काम की तलाश में आए थे, तो इसकी हमारी टीम जो है पूरी छानबीन करेगी कि लखनऊ में किसके जरिए आए, कैसे आए और इनका क्या यहाँ पर था। ये निश्चित रूप से अगर ये न पकड़े जाते तो काफी घटनाएं भी करते, तो हमारी पुलिस ने जो है बहुत ही सतर्कता और बहुत ही तेजी दिखाते हुए बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार किया गया।